सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा है। शिवपाल यादव से ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने को लेकर सवाल पूछा गया। शिवपाल यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद पहले अपने गांव का रोड बनवाएं, अपने गांव का विकास करें। ओम प्रकाश राजभर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल गर्म है। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से घोसी चुनाव में दावा किया था कि बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की बड़ी जीत होगी, घोसी उपचुनाव अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को सफाई भेज रहे थे, घोसी उपचुनाव में बीजेपी पार्टी की जीत की गारंटी दे रहे थे, कह रहे थे कि सफाई मतगणना स्थल 10 बजे के बाद छोड़कर भाग जाएंगे। घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद ओम प्रकाश राजभर दिखाई नहीं दे रहे थे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर को ताने मार रहे हैं। घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ा है। समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत करना चाहती है।